नेता देश के यशस्वी प्रधान नरेंद्र मोदी के 70वीं जन्मदिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मनाएगी भाजपा, जिसमें प्रत्येक मंडल में 70 दिव्यांगों को चश्मा, श्रवण यंत्र आदि दिया जाएगा। प्रत्येक जिले में 70 गरीब बस्तियों एवं अस्पतालों में फल का वितरण किया जाएगा। कोविड-19 संक्रमण रोग से मुक्त हो चुके 70 लोगों के संपर्क में स्थानीय अस्पताल में प्लाज्मा डोनेट कराना। प्रत्येक बूथ पर 70 वृक्ष लगाकर पर्यावरण संरक्षित करने का संकल्प लेंगे। जिला मुख्यालय के 70 स्थानों पर स्वच्छता का कार्य कराएंगे। जिले में युवा मोर्चा द्वारा रक्तदान शिविर भी लगाया जाएगा। बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद। मंच पर उपस्थित युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री कृष्णाय तिवारी जी और मंच का संचालन कर रहे जिला के अध्यक्ष भाई सूर्य प्रकाश जी और आज इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय सचिव युवा मोर्चा के श्री गौरव तिवारी जी, शायद उनकी आवाज़ नहीं मिल पा रहा था, नहीं तो उनका भी हम सब लोग बातों को सुन पाते, लेकिन तकनीकी कारणों से शायद नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पर उपस्थित युवा मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता बंधुओं और साथ ही आज इस वेबिनार में जो अपनी अपनी जगहों से जो भी कार्यकर्ता जुड़े हैं उन सब को भी हमारी ओर से बहुत बहुत आप सबको बधाई। और झारखंड में यानी ये जो अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जो जन्मदिन है, तो इसे बताएं कि 17 सितंबर और पूरी एक सप्ताह तक ये सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का जो पार्टी ने संकल्प लिया है और युवा मोर्चा ने झारखंड में शायद प्रारंभ किया है ये पहली बार, और आप सब लोगों ने हमें भी आमंत्रित किया है, अवसर मिला बोलने के लिए, उसके लिए कृष्णाय जी को और उनके तमाम टीम को अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई अपनी ओर से देता हूँ। चूँकि आज देश के प्रधानमंत्री के देश के प्रति और संगठन के प्रति तो हम सबको पता ही है कि जीवन पूरी तरह से उन्होंने समर्पित कर रखा है, इसमें कोई किसी के पास कोई नहीं जानते ऐसा नहीं है, जो कि संपूर्ण जीवन जिसको कह सकते हैं उन्होंने देश के लिए ही समर्पित किया है, समाज के लिए ही समर्पित किया है। और वैसे देश के प्रधानमंत्री का जो पूरे 70 वर्ष पूरे भी हो रहे हैं और फिर हम पार्टी ने संकल्प लिया है कि भाई हम सेवा सप्ताह मनाएं। अब सेवा सप्ताह जब बातें होती है तो बहुत से कार्यकर्ता ये सोचते हैं कि भाई हम क्या सेवा कर सकते हैं, हमारे पास तो कुछ है भी नहीं, या फिर बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि कहीं कहीं कोई भोज वोज का लोग आयोजन कर लेते हैं कि दरिद्र नारायण भोज या इस प्रकार की, तो लोग समझते हैं कि शायद वही सेवा है। मैं समझता हूँ कि इतनी मात्र सेवा नहीं, हम बहुत बड़ी हम सेवा कर सकते हैं, सिर्फ हमें इस बात को समझने की जरूरत है। जैसे आपने देखा कि इस कोरोना के काल में देश के प्रधानमंत्री ने देशवासियों के साथ क्या कहा कि हमें भारतवर्ष को आत्मनिर्भर बनाना है, आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत की जब बोलते हैं या उन्होंने हमें देश की जनता के समक्ष एक आह्वान किया है तो उसके एम्बेसडर तो हम सब लोगों को बनना होगा कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो जनता के भी जा करके हमें बताना भी पड़ेगा भाई कैसे बनेगा आत्मनिर्भर भारत। भारत सरकार ने तो बहुत सारे निर्णय लिए, बहुत सारे चीज़ों पर उन्होंने कहा कि भाई हम ये आयात नहीं करेंगे, जैसे सुरक्षा से जुड़े हुए उपकरण
हम देश में ही बनाएंगे, उसी का हम उपयोग करेंगे। बहुत सारे ऐप्स को उन्होंने, आपने देखा कि उन्होंने बैंड कर दिया, लेकिन सरकार के स्तर पर जितनी काम हो सकता है उन्होंने तो किया है और कर भी रहे हैं, लेकिन हम सब लोगों का भी दायित्व तो बनता है कि हम इस सेवा सप्ताह में अपने आप को भी हम आत्मनिर्भर कैसे बना सकते हैं, हम समाज की, राष्ट्र की हम कैसे सेवा कर सकते हैं। तो ये साधारण सी है चीज़ें, जैसे ये सितंबर का महीना, और मैं तो कहता हूँ कि अगर ये देखें ये सितंबर का महीना, एक तो अपने देश के प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन भी है 17 तारीख को, विश्वकर्मा पूजा भी उस दिन हम सब लोग मनाते हैं, विश्वकर्मा जी के अभी इन्होंने चर्चा की और क्या कहते हैं किसलाय जी ने, फिर 25 सितंबर को अपने जो इसको कहते हैं कि अपने पार्टी के जो एक विचारक थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने एकात्म मानव दर्शन की जिन्होंने एक विचार दिए, उनके भी जन्मदिन है। फिर उसके बाद थोड़े आगे और बढ़े एक सप्ताह के बाद तो गांधी के भी जन्मदिन है 2 अक्टूबर को, उन्होंने भी स्वदेशी पर बहुत अधिक जोर दिया था, बल्कि देश की आज़ादी के समय चरखा चलाना यानी कपड़े बुनना।